दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को मोदी सरकार की ना है। जी हां, यहां तक कि भारत सरकार ने एलन मस्क द्वारा स्थापित स्टारलिंक सेवाओं की सदस्यता लेने के खिलाफ जनता को चेतावनी भी दी है। स्टारलिंक क्या है और भारत सरकार ने इस इंटरनेट सिस्टम के खिलाफ चेतावनी क्यों जारी की, आज इसी विषय पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। दूरसंचार विभाग DOT ने कहा कि स्टारलिंक के पास भारत में सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी कंपनी के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है। सरकार ने कहा कि स्टारलिंक ने देश में इंटरनेट सेवाओं की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है और कंपनी की वेबसाइट का कहना है कि भारत में उपयोगकर्ता स्टारलिंक द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने स्टारलिंक से यह भी कहा कि जब तक आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाते तब तक भारत में बुकिंग के लिए अपनी सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराने से परहेज करें। इस महीने की शुरुआत में PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक कथित तौर पर देश में अपने ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय दूरसंचार कंपनियों के साथ काम करने की योजना बना रहा था। SpaceX में भारत के स्टारलिंक कंट्री डायरेक्टर संजय भार्गव ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि नीति आयोग द्वारा 12 Phase 1 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की पहचान के बाद कंपनी सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत शुरू करने की योजना बना रही है। SpaceX एक एयरोस्पेस कंपनी है जिसे साल 2002 में मस्क द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसी जगहों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकती है जहां ऑप्टिकल फाइबर पहुंचना काफी मुश्किल काम होता है। आपको बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट के लिए धरती की निचली कक्षाओं में भ्रमण कर रहे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। यह कंपनी सेंसेक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है। स्टारलिंक की वेबसाइट के अनुसार वह साल 2022 में भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है, हालांकि कोई सटीक तारीख या जानकारी नहीं दी गई है। स्टारलिंक कथित तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अन्य सहित अधिकांश प्रमुख शहरों को कवर करेगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि यह आपके स्थान पर उपलब्ध होगा या नहीं तो आप स्टारलिंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्टारलिंक के मुताबिक उसे भारत से 5,000 से भी ज्यादा प्री बुकिंग्स मिल चुकी हैं। यह कंपनी एक ग्राहक से 7,350 रुपए ले रही है और बीटा चरण में 50 से 150 Mbps डेटा स्पीड देने का दावा करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।